हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके प्यार चैनल राइट द फ्रेंड्स कल हमने देखा रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जो मतलब उसमें हमने सीखा कि रिएक्शन कैसे होती है वो आज हम सीखेंगे और कल की वीडियो में हमने देखा था कि कुछ परिभाषाएं लिखाई थी और मैग्नीशियम के बारे में हमने बताया तो उसी फार्मूला को मैं दोबारा लिखता हूँ देखिए जैसे मैग्नीशियम होता है मैग्नीशियम है ना मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब क्या होता है ऑक्सीजन जब हम मैग्नीशियम ऑक्सीजन को मिलाते हैं यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन को किस हिसाब से से मिलाया मिलाया जाएगा जाएगा वो इस प्रकार से जाएगा कि जो मैग्नीशियम रिबन आती है उसे हम वायु में जलाएंगे है ना उसे जलाएंगे तो उसके बाद में हमें भूरा भूरा सा चूरा प्राप्त होता है वो चूरा क्या होता है वो होता है आपका मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड अब देखो हमने तो ये लिख दिया हिंदी में कितना टाइम लगा वो आप सब लोगों ने देखा कैसे अब अगर हम इसके रिएक्शन लिखेंगे कोई आपसे पूछेगा इसके रिएक्शन पर प्रकाश डालिए तो क्या है आप लिखेंगे कि जब मैग्नीशियम और मैग्नीशियम रिबिन को खुली हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूरा प्राप्त होता है अब बताओ इतनी बड़ी रामायण कौन लिखेगा इतना सुनने का टाइम किसके पास है इसीलिए रासायनिक समीकरण बनाना आवश्यक था है और रहेगा कैसे मैग्नीशियम का सूत्र आपको प, सबको पता है मैग्नीशियम का क्या होता है एम होता है क्या होता है एम होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन का पता है ऑक्सीजन का ओ टू होता है इस रिएक्शन को जब हम अंजाम देंगे तो हमें क्या मिलेगा एम जी ओ टू मिलेगा एम जी ओ टू मिलेगा ये हमें प्राप्त हुआ है ना हुआ ना इसी को क्या कहते हैं इसी को कहते हैं केमिकल केमिकल इक्वेशन केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण अब हम रासायनिक समीकरण की परिभाषा को बताते हैं रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या होती है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण कैसा निरूपण प्रतीकात्मक मतलब हम उसे प्रतीक के रूप में लिखते हैं जैसे ये प्रतीक के रूप में लिखा हुआ है प्रतीक के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है है ना क्या कहलाता है रासायनिक समीकरण कहलाता है और बाकी सब आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा ही होगा कि क्या है परिभाषा वो आपको दिखाई दे रही होगी इसके बाद में रासायनिक समीकरण हमने देख लिया क्या होता है तो अब हमने ये बना दी एक और मैं देता हूँ क्या होती है एक और होता है एच जानते हैं ना सब लोग एच किसे कहते हैं हाइड्रोजन को प्लस हाइड्रोजन के साथ में हम किसकी कराएंगे हाइड्रोजन के साथ में हम कराएंगे सी एल की है ना और यहाँ पे एच टू लगाया जाता है एच टू सी एल की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है ये बनता है आपका एच सी एल तो हमने लिख लिया ये वाला टू इधर आ जाएगा तो सी एल हो जाएगा एच सी एल हो जाएगा है ना इतना कम्प्लीट हो गया अब हम देखते हैं इसके कुछ रूल्स होते हैं मतलब इसे समीकरण को बनाने के कुछ रूल्स होते हैं तो हम करते हैं वीडियो को पोस्ट उसके बाद में हम आगे दिखते हैं हैं रासायनिक समीकरण लिखने के नियम तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे द लॉज ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन मतलब हम रासायनिक समीकरण लिख तो लेते हैं लेकिन उसे हम किस प्रकार से लिखते हैं उसी चीज़ के लिए ये है तो आगे क्या है आगे है रासायनिक समीकरण लिखने के नियम इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो इसे इंग्लिश में कहेंगे द लॉज ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन है ना तो अब हम इनके नियम देखते हैं तो नियम क्या है पहला नियम है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के मध्य प्लस का चिन्ह लगाया जाता है अब वो कहाँ पर लगा है वो हम देखेंगे यहाँ पर नीचे जो ये उदाहरण लिखा हुआ है यहाँ पर पहली बात अभिकारक क्या होता है अभिकारक मैंने बताया कि जो जो मतलब भाग लेते हैं ना जो परमाणु रासायनिक समीकरण में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं अभिकारक कहते हैं तो अभिकारक क्या है अभिकारक है ये इतना वाला पार्ट ये क्या है ये है अभिकारक क्या है अभिकारक ठीक है ये क्या है अभिकारक ठीक है इतनी बात समझ में आ गई हो है ना और ये क्या है ये है आपका उत्पाद उत्पाद है ना ये क्या हो गया उत्पाद अब इसके नीचे क्या है इसने कहा धन का चिन्ह लगाया जाए किसके अभिकारकों के मध्य अभिकारक क्या है ये मतलब दो हमने परमाणु जोड़ रहे हैं तो हमें उसे धन का चिन्ह लगाते हुए प्रदर्शित करना है कि हाँ ये हमने जोड़ा है नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है, है रासायनिक समीकरण में अविकारकों को बाई और बाई और कौन सी होती है लेफ्ट हैंड साइड है ना और तथा उत्पादकों को दाई और लिखा जाता है दाई और कौन सी होती है राइट हैंड साइड अब दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाती है कि बाई और कौन सा है दाई और कौन सा है देखो इसके लिए मैं छोटी सी आपको बात बता रहा हूँ बाई और, और दाई ओर और। आप एक याद रखिए दाई ओर दाई में क्या आता है दाई से ये समझ लीजिए कि आप जिस हाथ से दाल रोटी खाते हो वही होता है आपका दाया हाथ इसे ही राइट हैंड कहते हैं इसी को दायाँ हाथ कहते हैं तो बाया हाथ दायाँ हाथ अब आपको इतनी कन्फ्यूज़न नहीं होगी तो आई होप आप समझ गए होंगे तो हमने इसमें देखा कि रासायन अभिकारकों के मध्य बाई ओर लिखा जाता है मतलब ये क्या है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक बाई ओर लिखा जाता है अफकोर्स ये बाई ओर ही लिखा हुआ है और क्या है उत्पादकों को दाई ओर लिखा जाता है तो अफकोर्स ये कौन सी ओर दाई ओर ही लिखा हुआ है अब ये क्या है रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादकों को अलग करने के लिए अलग करने के लिए है ना बंटवारा करना है इनमें तो बंटवारा करने के लिए क्या करना होगा इन दोनों के बीच में ये चिन्ह लगाना होगा हमने लगा दिया समीकरण हमारा एकदम सही है है ना ये चिन्ह लगाने का प्रयोग करना होगा नेक्स्ट क्या है फोर्थ रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादकों को उनकी भौतिक अवस्था के साथ निरूपित किया जाता है किसके साथ में भौतिक अवस्था के साथ में भौतिक अवस्था के साथ में मतलब ये आप ये किस में है भौतिक अवस्था कौन सी होती है एक सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस है ना जो अवस्था होगी वो यहाँ पे प्रदर्शित करनी होगी बट इस समीकरण में आपको भौतिक अवस्था प्रदर्शित करने को नहीं मिलेगी तो इसके लिए नेक्स्ट समीकरण देखते हैं क्या है एच टू प्लस सी एल है ना एच टू और सी एल के बीच में क्या अवस्था है उसी चीज़ का हम पता करेंगे तो ये क्या बन रहा है एच सी एल बन रहा है क्या बन रहा है एच सी एल तो एच किस फॉर्म में है ये है आपकी गैस के फॉर्म में और ये uh, क्लोरीन है ये भी गैस के फॉर्म में है तो इधर आके ये क्या लिक्विड बन रहा है गैस गैस आपस में जब टकराई तो वो लिक्विड बन जाता है, है ना तो यही समीकरण हो गया तो फोर्थ कंप्लीट हो गया ना आपको समझ में आ गया ना रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादकों को उनकी भौतिक अवस्था के साथ निरूपित किया जाता है नेक्स्ट क्या है रासायनिक समीकरण कोई कारक या अवस्था को तीर के ऊपर लिखा जाता है इसके लिए मैं नेक्स्ट लेता हूँ उसमें आपको समझाएंगे कि तीर के ऊपर कैसी अवस्था आती है तो अभी हम करते हैं वीडियो को पुश और लिखते हैं आगे का तो इसके अनुसार क्या है ये लिख रहा है रासायनिक समीकरण कोई कारण या अवस्था तीर के ऊपर लिखते हैं मतलब कोई कारण हो या फिर कोई घटना घट गट गई है उसके बारे में बताना है तो उसको हम समीकरण के ऊपर लिखते हैं कैसे लिखेंगे एच टू जो कि गैस के फॉर्म में है सी एल वो भी गैस के ही फॉर्म में है क्यों मतलब क्या ऐसा कारण हुआ कि जी ये दोनों मिल गए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई और ये एच सी एल बन गया आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये पाँचों कैसे नियम बनते हैं अब देखते हैं कुछ समीकरण इसके लिए हम कहते हैं वीडियो को पोज और लिखते हैं आगे का अब देखते हैं समीकरण क्या है मैग्नीशियम क्लोराइड अब मतलब क्या है हमने आपको बता दिए हैं नियम आपको बता दिए हैं पूरे कि कैसे क्या होता है अविकारक दाई ओर लिखे जाते हैं और जो सॉरी अभिकारक जो है वो लेफ्ट हैंड लिखे जाते हैं और जो आपके उत्पाद हैं वो राइट हैंड लिखे जाते हैं अब देखते हैं नियम हमने देख लिया अब देखते हैं कैसे हम बनाएंगे इसे मैग्नीशियम को मैग्नीशियम का प्रतीकात्मक रूप क्या रूप क्या होता है वो होता है एम ठीक है एम होता है क्लोरीन Uh, क्लोरीन का क्या होगा मतलब क्लोराइड है तो क्लोरीन होगा क्लोरीन का कितना होता है सी एल ये एम जी टू होगा है ना तो अब क्या है ये टू मतलब इसको यहाँ पर लिखते हैं हम पहले बनाने के लिए फिर बाद में इसे गैस करेंगे अब इसके बाद में क्या होगा हम इसका करेंगे मल्टीप्लाई ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है एम जी का मल्टीप्लाई जब बन से करेंगे तो क्या बनेगा ये बनेगा आपका एम जी है ना अब प्लस क्लोरीन क्या है क्लोरीन क्या टू ले जाएगा ये वाला क्लोरीन क्या है ये टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन टू हो जाएगा तो मिलाएंगे तो क्या होगा एम जी और सी एल को आप पास में रख दो तो एम जी सी एल टू ये हो जाएगा आंसर दूसरा देखते हैं दूसरा क्या है दूसरा मैं देखता हूँ क्या है आ, दूसरा है एल्यू एल्यूमिनियम और हाइड्रो ऑक्साइड का है ना एल्यूमिनियम और हाइड्रो ऑक्साइड का वो करते हैं यहाँ पर पहला है एल्युमिनियम है ना एल्यूमिनियम ियम प्लस हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का प्रतीकात्मक रूप क्या होता है वो होता है ए एल है ना प्लस हाइड्रोजन का एच होता है हाइड्रोजन के पास में कितने अड़ु होते हैं हाइड्रोजन के पास में दो अड़ु होते हैं है ना कितने तो इसके दो अड़ु हम यहां लिख लेंगे और एल्यूमिनियम का कितना होता है एल्यूमिनियम के पास भी आपके आ, देखने को मिलेगा एल्यूमिनियम के तीन मिलते हैं है ना इनका जब आप क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करोगे तो क्या होगा एल्यूमिनियम के पास तो दो जाएंगे एल्यूमिनियम के पास कितने कट जाएंगे दो जाएंगे और हाइड्रोजन के पास तीन कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा एच थ्री दोनों को जब हम देखते हैं तो क्या मिलेगा आपको ए एल टू ओ एच ये हाइड्रो ऑक्साइड है यहाँ पर सॉरी हाइड्रो ऑक्साइड होगा आप यहां पर ऑक्साइड है ना हाइड्रो ऑक्साइड होगा तो यहाँ पर ओ OH एच आ जाएगा है ना ओ OH एच के थ्री होते हैं तो ये ए एल और यहाँ पर आ जाएगा ओ OH, एच है ना ओ OH. एच तो यहाँ पर ओ एच OH होगा और कोष्टक में यहाँ पर थ्री लिख देंगे क्योंकि दो के हैं तो उसको कोष्टक में हमें लिखना होगा तो दो समझ लिए हैं और आगे देखते हैं वीडियो को पोस्ट करके उसके बाद में क्योंकि रेज करना है इसे नेक्स्ट उधार मैंने आपको दो बता दिए हैं इसलिए तीसरा है ठीक है क्या है सोडियम ऑक्साइड सोडियम का क्या होता है एन -E होता है लिखेंगे एन ए होता है ऑक्साइड का क्या होता है ऑक्साइड का ओ होता है है ना एन ए के पास में कितना होता है एक ऑक्सीजन के पास में कितना होता है दो तो इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लेक्शन तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा आपको दो इसे जाएंगे तो टू एन ए हो जाएगा ओ के पास में कुछ नहीं है तो ये टू एन ए वन ओ हो जाएगा है ना तो ये मिल जाएगा नेक्स्ट क्या है पोटेशियम नाइट्रेट पोटेशियम का क्या होता है पोटेशियम का के होता है नाइट्रेट का क्या होता है एन ओ थ्री होता है है ना तो क्या है इसके पास भी एक है और नाइट्रेड की ये पूरा है तीन नहीं लिखेंगे एक ही लिखेंगे इधर प्लस का चिन्ह इधर को दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई तो ये के और इसका करेंगे तो एन ओ थ्री के एन ओ थ्री हो जाएगा समझ में आया नेक्स्ट क्या है कॉपर सल्फेट कॉपर का क्या होता है सी ओ है ना प्लस सल्फेट का क्या होता है एस ओ फोर कॉपर के पास में होता है है ना कॉपर के पास में क्या होता है कॉपर के पास में एक होता है है ना कॉपर के पास में दो और सोडियम के पास में सल्फेट के पास में एक दोनों को करेंगे यू क्लॉस मल्टीप्लाई सी यू हो जाएगा यहाँ पर और ये क्या है एस ओ फोर टू हो जाएगा तो यहाँ पर एस ओ फोर और इधर लगा देंगे अपना टू है ना ये बन गया अब क्या है सोडियम सल्फेट सोडियम सल्फेट का सोडियम का क्या होता है एन ए है ना सल्फेट का तो अभी आपको बताया ही है एस ओ फोर ये हो गया अब इसमें सोडियम के पास में कितना होता है एक इसके पास में कितना होता है इसके पास में भी आपका एक होता है दोनों को करेंगे तो ये तो हो जाएगा क्लोरॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एन ए ये हो जाएगा और सल्फेट का एस ओ फोर हो जाएगा ऐसे ही ये चार हैं और आपके बुक्स में दिए रखे हैं उनको आप कीजिए और अब हम देखते हैं परिभाषा एक परिभाषा और मैं आपको बता दूँ उसके बाद में वीडियो को करेंगे खत्म क्योंकि नेक्स्ट है कल आपको बताएंगे संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व तो क्या होते हैं तो पहले मैं आपको बता दूँ ये जो हमने किया है ना कि ये टू लगाया है वन लगाया है और यहाँ पर ये एन और ये सी यू एस ओ फोर मतलब ये सब किया है आपने ये फोर है टू है जो जितना भी आपने यहाँ पर दिमाग लगाया है यही होता है संतुलित रासायनिक समीकरण अब संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है अब जैसे आप देखो क्या होता है जैसे आपने देखा कि एन ए ओ है तो मतलब आपको यहाँ पर भी ये था तो ये मिला जैसे कि अगर आप टमाटर की सब्जी बनाएंगे तो मतलब बनेगी टमाटर की सब्जी किस मात्रा में है वो भी निश्चित ही होगा कितना आपने उसमें पानी डाला है क्या किया है मतलब कुछ भी किया हो लेकिन बनेगा सब्जी सब्जी टमाटर की आलू की नहीं बनेगी उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे के एन ओ थ्री है वहाँ पे भी के एन ओ थ्री ही मिलेगा और किस मात्रा में मतलब किस मात्रा में था उस मात्रा के अनुसार ये होता है संतुलित रासायनिक समीकरण तो क्या होता है कि अभिकारक और उत्पादकों के मध्य परमाणुओं की संख्या का समान होना ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण को इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आज के लिए सिर्फ इतना ही कल मिलेंगे कल देखेंगे हम कि इसका महत्व क्या होता है उसके बारे में देखेंगे तो आज करते हैं वीडियो को यहीं पर पुष्ट मिलते हैं कल तब तक के लिए जय हिंद जय भारत